मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ जहां मजदूर पैदल गांव की तरफ कूच कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा भी मजदूरों को उन्हें उनके गांव तक पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह से मुंब्रा के यूसुफ मेमन ने भी मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ली है और करीब 60 मजदूरों को मुंब्रा से तेलंगाना भी पहुंचा दिया है। यूसुफ मेमन ने बताया है कि मुंब्रा बाईपास से 2 बसों में तेलंगाना के लिए परमिशन लेकर मजदूरों को भेजा गया है। जिन मजदूरों को उनके गांव भेजा गया है वो काफ़ी परेशान थे, इसलिए खुद 2 बसों का बंदोबस्त कर उन्हें में 60 मजदूरों को तेलंगाना के लिए रवाना किया गया है। पहले बस को सैनिटाइजर किया गया, उसके बाद बस में सवार होने वाले 60 मजदूरों को भी सैनिटाइजर किया गया। क्या पूरी जानकारी दी है यूसुफ मेमन ने, सुनिए। कल तो इस्लामाबाद में सबसे पहले तो जो हमने कल यहाँ से बस भेजी है 2, वो हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड और हमारे सैयद अली भाई साहब जो है उनके नेतृत्व में हम लोग ने ये कोशिश की और ये पहली पहल की है, जिसकी 2 बस हमने कल सबसे पहले बस मांगा रखे, उसको पूरा सैनिटाइज किया है, फिर एक एक बंदे को सैनिटाइज किया है और कानून को मद्देनजर रखते हुए जो 50% का गवर्नमेंट ने हमको कानून इस टाइम पे बताई है कि आप जितनी भी बस की कैपेसिटी होती है उसके अंदर आप 50% ही जो है आप अपना यात्री लेके जा सकते हैं, तो दोनों बस में मिला के करीबन हम लोग ने 60 यात्री को यहाँ से भेजे। आगे और किसी राज्य में आप भेजने का अभी हमारा इंशाल्लाह इरादा आगे है यूपी के, हमारी यूपी के लिए भी हम लोग फॉर्म पुलिस स्टेशन के अंदर भरा हुआ है, जैसे ही परमिशन आ जाएगी इंशाल्लाह हम लोग यूपी के अंदर भी जो है यहाँ से या तो ट्रेन से या तो बस से जैसी आगे सहूलत बनी इंशाल्लाह भेजेंगे। और अभी हम लोग कंटिन्यू जो हमारी कल जो 2 बस गई है उनके संपर्क में है, इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर उन लोग अपने घरों पे इंशाल्लाह सेफली पहुंच भी जाएंगे। बस जो आपकी तरफ से भेजा गया है तो इसका जो खर्च है इसका पे कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं या फिर जो है? देखिए जितना है हम जितना है क्या बोल रहे हैं प्रशासन कर रहा है या नहीं? प्रशासन नहीं कर रहा है, हम लोग हमारा सेल्फ कर रहे हैं। यानी अभी भी यूसुफ मेमन के तरफ से यूपी और तेलंगाना के लिए बसें भेजी जाएंगी और यूसुफ मेमन ने यह भी बताया कि जो नियम है सोशल डिस्टेंसिंग का उसका पालन करते हुए एक बस में सिर्फ 30 मजदूरों को ही बिठाया गया है, यानी कि दोनों बसों में कुल 60 मजदूरों को रवाना किया गया है। और आगे भी यूसुफ मेमन ने बताया है कि ऐसी तरह बसों में मजदूरों को उनके गाँव भेजा जाएगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।